हेलो नमस्कार एवरीवन वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आपके आज के सेशन में जल्दी से आ जाएंगे आप सभी सेशन को ज्वाइन कर लेंगे और एक बार मुझे बता देंगे कि आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है है ना चलिए वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को फटाफट से आ जाइए बच्चे सेशन को एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम लोग ना सेशन को जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारा है मंथली करंट अफेयर्स में पढ़ने के लिए सबको ही पता है कि मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं हम लोग है ना मंथली करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं दिसंबर मंथ का सॉरी जनवरी मंथ का ठीक है जल्दी से आ जाओ फटाफट से और सेशन को ज्वाइन करो फिर स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 का मंथली करेंट फ्स फटाफट से सारे बच्चे आ जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे एक बार आई होप सबने देखो जिन्होंने पढ़ा हुआ है जो जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है उनको तो आसान लगेगा जिन्होंने नहीं किया है जिनका छूट गया है और सब्जेक्ट्स पढ़ने थे वो भी इस सेशन को कर सकते हैं तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रिवाइज करेंगे फिर से कितना याद है कितना भूल गए हो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं ठीक है चलिए सारी आवाज़ सब कुछ क्लियर आ रही है सभी को वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग संगीता अश्विनी मी, मीनू शशांक निशी साक्षी कविता प्रदीप नेत्रभान निखिल नकुल बिट्टू संदीप चलिए सभी बच्चों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे अब हम लोग सबको आवाज़ क्लियर आ रही है सब कुछ क्लियर है तो सेशन को स्टार्ट करेंगे फटाफट फटाफट से सबने आंसर्स करने हैं ठीक है चलिए सो जनवरी का सीए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत और संयुक्त अरब अमरात के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है डेजर्ट ईगल डेजर्ट फ्लैग डेजर्ट साइक्लोन दोनों बी और सी बोला गया है फ्लैग साइक्लोन दोनों है अगर बात की जाए बिट्रल आर्मी एक्सरसाइज की भारत और यूए के बीच जो होता है पहली बार हुआ है अभी हाल ही में तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट से जल्दी जल्दी सारे आंसर्स करेंगे तो यहाँ पर साइक्लोन कौन सा स yes, बच्चे डेजर्ट साइक्लोन वेरी गुड निशी सिंह सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी डेजर्ट साइक्लोन है ना ऑप्शन सी डेजर्ट साइक्लोन पर सही उत्तर हो जाएगा सो so, डेजर्ट साइक्लोन जो है ये भारत और यूए के बीच जो है ये पहली बार अभ्यास जो है इस इस साल करवाया गया बहुत सार, इस महीने जो है आपका करवाया गया इस महीने कई सारे आपके अभ्यास हुए हैं ऐसा ही आपका एक एक्सरसाइज आ जाता है सिर्फ साइक्लोन अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ साइक्लोन अभ्यास की तो ये हुआ है इंडिया और इजिप्ट के बीच में हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है पिछली बार भी ये हो चुका है इसका सेकेंड एडिशन जो है हमें देखने को इस साल मिला है अंशस इजिप्ट में किया गया है इसके अलावा बात करें तो अभी हाल ही में खंजर अभ्यास आपका हुआ है खंजर अभ्यास की बात अगर की जाए तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच ये अभ्यास आपका जो है ये करवाया अभी हाल ही में गया है इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका कौन से एक्सरसाइज आ जाता है सी ड्रैगन एक्सरसाइज भी आ जाता है सी ड्रैगन एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे यूएस के द्वारा जो है होस्ट किया गया है राइट इसके अलावा बात करें तो आपके और कौन से एक्सरसाइज आ जाएंगे डेजर्ट साइक्लोन हो गया डेजर्ट आपका जो है सिर्फ साइक्लोन हो गया एक्सरसाइज इसके अलावा बात करें तो आपका डेजर्ट नाइट आ जाता है यहाँ पर डेजर्ट नाम से ही डेजर्ट नाइट आपका एक्सरसाइज आ जाता है डेजर्ट नाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन देशों ने भाग लिया है यहाँ पर इंडिया फ्रांस और यहाँ पर भी यू जो है हमें साथ में देखने को मिला है इंडिया फ्रांस और यू भी हमें देखने को मिला है इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पहली बार ही करवाई गई है आपकी कौन सी एक्सरसाइज

ठीक है सो यहां पर सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन सी डेजर्ट साइक्लोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगले प्रश्न में क्या कहा गया है तो ये सारे आपके बायोलिट्रक्सरसाइजेस हैं जो भारत अलग, अलग अलग देशों के साथ आयोजित करता है आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जनवरी 2024 में कितने देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं चार पांच छह या फिर सात सो ब्रिक्स के बारे में आप सबको पता है ब्रिक्स ब्रिक्स की 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 अगर बात जाए तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है दो में पूरा आपका ब्रिक्स जो है ये पूरा बना है और दो में फॉर्मली पहले आपका ब्रिक के तौर पर क्या है स्थापित हुआ था कितने सदस्य शामिल हुए हैं वेरी गुड बच्चा बिल्कुल सही जो पांच लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं फटाफट से देशों के

है ये सबमेट वेरी गुड डियर बच्चे अगर हम उन पांच देशों की बात कर लेते हैं तो आपका कौन से कौन से हो जाएंगे इजिप्ट हो जाएगा इथियोपिया हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा यूए हो जाएगा और सऊदी अरेबिया हो जाएगा सो so, ये पांच नेशंस हो जाएंगे जिन्होंने क्या है ब्रिक्स को ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया हो जाएगा और ईरान हो जाएगा सो so, ये पांच नेशंस हो जाते हैं फाइव न्यू मेंबर्स हो जाते हैं ब्रिक्स के राइट right? ब्रिक्स के पांच नए सदस्य आपके हो जाते हैं साथ ही में अर्जेंटीना अर्जेंटीना को भी शामिल होना था लेकिन के जो नए प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली उन्होंने मना कर दिया सो so, ईरान जो है सॉरी अर्जेंटीना जो है वो शामिल नहीं हुआ है बाकी अब जो है टोटल आप बोलेंगे कि टेन मेंबर्स जो है ऑफिशियली हो गए हैं राइट और फटाफट से बता दो कि भाई पंद्रहवा अगर साउथ अफ्रीका में हुआ है तो सोलह जो ब्रिक्स समिट है वो कहां पर होने वाला है फटाफट पट से सिक्सटीन ब्रिक्स समिट कहां पर होने वाला है जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे यस yes, मना कर दिया है जल्दी से बताएंगे अब जो है सिक्सटीन समिट कहां पर होने वाला है वेरी गुड बच्चों बिल्कुल सही जो लिख रहे हैं रशिया बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं तो अब जो है ये रशिया रशिया के काजान में इसको होस्ट जो है इस साल यानी साल 2024 में इसको होस्ट किया जाना है सो so, प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी फाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक्सपोसैट का पूर्ण रूप क्या है फुल फॉर्म बतानी है एक्सपोसैट की पढ़ चुके हो एक्सपोसैट मिशन जो है आपका है ना इसरो के द्वारा यह आपका लॉन्च किया जाएगा यहां पर एक्सपो मिशन की अगर हम बात कर लेते हैं है ना इसको लॉन्च किया गया है तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी एक्सरे कौन सी फुल फॉर्म हो जाएगी सही एक्सरे पोलिटर सैटेलाइट जो सी लिख रहे हैं बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं एक्सपो सैट मिशन की अगर बात की जाए तो इसको इसरो के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है सो so, एक्सपो सैट मिशन जो है अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर एक्सपो सैट मिशन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप कह सकते हैं कि ये इसरो का मिशन है इसरो के द्वारा इसे अभी हाल ही में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इस, ये सैटेलाइट का, का काम होगा एक्सरेज की स्टडी करना जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं है ना उनके उनसे जो एक्सरेज निकलती है उनकी स्टडी करने का बेसिक आप इतना याद रखेंगे कि एक्सरेज की स्टडी के लिए क्या है ये मिशन आपका लॉन्च किया गया है इसी के साथ साथ इसरो जो है ये सेकेंड स्पेस एजेंसी है या इसरो किसकी है भाई भारत की है तो बोल सकते हैं कि भारत

PSLV C58 आपका क्या है लॉन्च व्हीकल हो जाएगा लॉन्च व्हीकल भी ध्यान रखना है सो एक्सपो सेट की फुल फॉर्म क्या हो जाती है एक्सरे पोलोरेमीटर सैटेलाइट आपका जो है इसका करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कहा गया है कि दो में डीआरडीओ स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया वेरी इजी बिल्कुल सिंपल है डीआरडीओ की बात करते हैं तो पहले तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताएंगे सारे बच्चे मुझे कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है कई बच्चों को डीआरडीओ की फुल फॉर्म फु नहीं पता होती है डीआरडीओ कि अगर बात करते हैं तो इस साल डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है वेरी गुड मोहम्मद अदर यस सिक्सटी सिक्स बोलेंगे स्थापना दिवस जो है इस साल मनाया गया है वेरी गुड कविता डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, है ना तो डिफेंस के लिए हम बोलेंगे डिफेंस का रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये. So, से कि इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है so,

कौन हो जाते हैं समीर वी कामत आपके वर्तमान में यहाँ पर डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाते हैं इस साल सिक्सटी फाउंडेशन डे जो है मनाया गया है <coughs> कौन से मंत्रालय के तहत आ जाएगा डीआरडीओ भाई डिफेंस के लिए काम करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाएगा रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है डीआरडीओ राइट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ वन नेशन वन पास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है फूड आइटम्स फॉर एस्ट प्रोड्यूस इलेक्शन किया गया था यहाँ पर बात की जाए तो आपको याद आ रहा होगा कि ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है भूपेंद्र <coughs> यादव है राइट right? सो so, भूपेंद्र यादव की बात करें तो उनके द्वारा क्या है लॉन्च किया गया था किससे जुड़ा हुआ है प्रश्न में सिंपल पूछा हुआ है नो नॉट इलेक्शन देखो वन नेशन वन इलेक्शन तो ऑलरेडी है ना नाम में ही आ जाएगा इलेक्शंस

पास सिस्टम भी नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम भी क्या है इसे कहा गया है सो so, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बोलेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस एनटीपीसी नहीं एनटीपीएस एनटी नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम वन फॉरेस्ट वन प्रोड्यूस

तो ये कहां पर आया है वेरी गुड जो भी वृंदावन लिख रहे हैं यस yes, बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं यस yes, नास परवेज यस yes, सिफा यस yes. एस कलावती ऑप्शन सी वृंदावन से ही आंसर हो जाएगा तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में क्या है ये पूरा लड़कियों का जो है ना क्या है सैनिक स्कूल आपका लॉन्च किया गया है इस तरीके का ये पहला सैनिक स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी यानी कि ऑल गर्ल्स आपका ये सैनिक स्कूल जो है बनाया गया है इस तरीके के हंड्रेड आपके सैनिक स्कूल को सेटअप किया जाना है ऑल ओवर इंडिया सो इसको लॉन्च अभी हाल ही में किया गया है राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा राजनाथ सिंह के द्वारा क्या है इस स्कूल का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में कहां पर किया गया है ध्यान रखें उत्तर प्रदेश में ये भारत का पहला पूर्ण लड़कियों के सैनिक उद्घाटन बीच गेम्स 2024 के शुभंकर का नाम क्या है वीर मंगई उज्जवला टोंग या फिर बहुत सिंपल सा सवाल है और बीच गेम्स के ऊपर भी इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे बीच गेम्स अगर बात करते हैं दीव बीच गेम्स आपके पहली बार करवाए गए हैं फर्स्ट एडिशन आपका करवाया गया है जनवरी के महीने में ये जो पहला संस्करण हुआ है ये कहां पर हुआ है बीच आपसे बिल्कुल पूछ सकता है तो आप बोलेंगे कि घोगला बीच में इसका आयोजन जो है वो किया गया है और यहाँ पर आपसे मैस्कॉट का नाम पूछा हुआ है सो नॉट उज्वला उज्जवला नहीं बोलेंगे बच्चे आंसर करेंगे आप पर्ल करेंगे जो बच्चे कंफ्यूज हैं उज्जवला की अगर हम बात करते हैं तो ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैस्कॉट है ना ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैस्कॉट है ना पैरा लिखा है तो पर किसके होंगे उज्जवला के उज्ज्वला चिड़िया की उसमें बनाई गई है सो उज्वला हो जाएगी वीर मंगई की बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके जो है ना कल ही समाप्त हुए हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है जो छठा संस्करण हुआ है उसका मैस्कॉट हो जाएगा वीर मंगई है ना और टोंक और ब्लेज थे आपके टोंक और ब्लेज आपके आईसीसी वर्ल्ड कप के थे तो वहां से टोंक उठाया गया है सो यहाँ पर ऑप्शन बचता है पर्ल आपके पास तो टिक कौन सा करेंगे पर्ल आप लोग टिक करेंगे है ना तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर पर्ल हो जाएगा फटाफट से बताओ कि बीच गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जो है वो किसने जीते हैं सबसे ज्यादा पदक जो है वो किसने जीते हैं फटाफट से आंसर करेंगे सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो कौन से राज्यों ने जीते हैं यहाँ पर वेरी गुड अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेडल्स बच्चे यहाँ पर किसने जीते हैं आप बोलेंगे कितने मेडल्स जीते हैं और इसका आंसर करेंगे जल्दी से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कितने मेडल्स जीते गए हैं तो 18 मेडल्स आपके एमपी के द्वारा जीते गए हैं सो so, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार की गैर कृषि उत्पाद श्रेणी में किस जिले ने पुरस्कार जीता है अल्लूरी सीताराम राजू बुरहानपुर कोल्लम या फिर काकीनाड है ना तो यहाँ पर अगर बात की जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है आपकी वो यहाँ पर आ जाती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आ जाती है यहाँ पर आपकी है ना तो यहाँ पर अगर पहली बात तो बात करूं तो ये पुरस्कार आपके इसके तहत दिए गए हैं इसके लिए एक इवेंट करवाया गया था आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो है आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो है आत्मनिर्भर भारत उत्सव आपका जनवरी में करवाया गया इसका आयोजन जो है कहां पर नई दिल्ली में करवाया गया इसी के तहत क्या है आपके ये पुरस्कार भी दिए गए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बच्चे बात करते हैं सबसे पहली सबसे पहले तो, तो इसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था इसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था फिर यह मॉडल सेंटर को पसंद आया तो सेंटर ने इसे पूरे देश में लागू किया कि हर जिले से एक प्रोडक्ट आपका निकाला जाएगा तो इसी में पुरस्कार दिए गए हैं आपसे पूछा गया है कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की कैटेगरी में कौन सा जिला है जिसको ये पुरस्कार दिया गया

Uh, जो है ना कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये भी अलूरी सीताराम राजू जो है आपका आंध्र प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है ये आपका एग्रीकल्चर श्रेणी में टॉपर आ जाता है जिसे गोल्ड मेडल मिला है अब स्टेट ए की कैटेगरी में आ जाती हूँ चार कैटेगरीज तो स्टेट ए की कैटेगरी में जो स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पर ओडीओपी अवार्ड में ये किसने जीता है तो आप बोलेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है यूपी ने क्या है ये जीता है उसके अलावा स्टेट बी की कैटेगरी भी थी तो यहां पर यूटीज आ गए आपके जहां पर जम्मू

सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जी 20 ट्वेंटी में से किसकी भारी संचार उपग्रह परियोजना है तो जी सैट ट्वेंटी की जाए तो बोला गया है अगर बच्चे बात करते हैं जी सैट ट्वेंटी की तो जी सेट ट्वेंटी आपका एक सैटेलाइट का नाम है, है ना जी सेट ट्वेंटी या जी एन टू भी इसे कहा जा सकता है तो ये वेरी गुड जो एन एस आई एल लिख रहे हैं वो सही

डिफरेंस समझेंगे जी साइ ट्वेंटी की अगर बात करते हैं तो ये एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है आपसे मैंने प्रश्न पूछा है कि प्रोजेक्ट इसमें से किसका है तो ये प्रोजेक्ट हम बोलेंगे कि प्रोजेक्ट है ये एनएसआईएल का एनएसआईएल क्या है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या है बच्चों ये प्रोडक्ट है अब ये जो न्यू स्पेस इंडिया है ये किसके तहत काम करता है ये इसरो के तहत काम करता है है ना सारा काम इसरो तो नहीं कर सकता तो इसरो के तहत क्या है एनएसआईएल आता है एनएसआईएल आपका साल दो में बनाया गया था. था, तो NSIL भी कई प्रोजेक्ट्स आपके हैंडल करता है कई सारे सैटेलाइट्स आपके हैंडल करता है राइट सो so, NSIL के द्वारा ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया जाएगा GSAT20 एक हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है अब यहाँ पर क्या है फाल्कन 9 का इस्तेमाल किया जाएगा इसको लॉन्च करने के लिए ये आपका क्या है रॉकेट है या आप बोल सकते हैं लॉन्च व्हीकल है, है रॉकेट है इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये जो रॉकेट है यह है स्पेस एक्स कंपनी का ठीक है और क्यों हम लोग स्पेस एक्स की मदद ले रहे हैं जो मस्क की की कंपनी है राइट सो यहां पर अगर बात करें तो स्पेस एक्स की हेल्प इसलिए ले, ले रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट का वेट बहुत ज्यादा है वजन बहुत ज्यादा है इसका जो वेट है वो है फोर थाउजेंड सेवन का इसका इस सैटेलाइट का क्या है वेट हो जाता है सो इतना भार उठाने के लिए हमारे पास अभी लॉन्च व्हीकल या रॉकेट मौजूद नहीं है इसीलिए हमें प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्ट जो कि लॉन मस्क की कंपनी है इसका क्या है इसका यूज करके इसका जो रॉकेट है फैलकर नाइन इसका इस्तेमाल करके हम लोग जी सेट ट्वेंटी या फिर इसे जी सेट एन टू भी कहा जा सकता है एन टू भी कई जगह लिखा हुआ है तो इसे लॉन्च किया जाएगा तो ध्यान रखना है कि ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रोजेक्ट इंडिया का प्रोजेक्ट है या इसरो का प्रोजेक्ट भी आप इसे बिल्कुल कह सकते हैं So, प्रश्न के आधार पर सही उत्तर क्या हो जाता है ऑप्शन सी एन एस आई बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बैठता है तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है है ना इसके द्वारा क्या है आपका ये लॉन्च किया जाएगा स्पेस ये आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट आगे आते हैं हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सादर जापरोव ने हिम तेंदुओ तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक जो है वो घोषित किया है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान देखो राष्ट्रपति सादर जापरोव कहाँ के हैं इसी से पता चल जाएगा आंसर तो स्नो लेपर को नेशनल सिंबल घोषित किया गया है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड सही आंसर जा रहे हैं सभी के ये साक्षी यस uh, yes, करन सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका किर्गिस्तान सो so, किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है सादर जापरोव इनके द्वारा क्या है घोषणा की गई है कि जो स्नो लेपोर्ड है उसको क्या बनाया जाएगा यहाँ का नेशनल सिंबल बनाया जाएगा कल ही अभी हमने पढ़ा है कि भारत में भी स्नो लेपर्ड असेसमेंट जो है आपका लॉन्च किया गया है स्नो लेपर्ड की जनसंख्या पॉपुलेशन असेसमेंट जो है आपका क्या है लॉन्च किया गया है इनकी जनसंख्या का आंकलन किया गया है जल्दी से बता दो कि सबसे ज्यादा स्नो लेपोर्ड जो है वो कौन से यूटी में हमें देखने को मिले हैं है, है ना टोटल बात करें तो 718 स्नो लेपोर्ड हो गए हमारे पास जो बताया गया है असेसमेंट में और टॉपिक ऑन हो जाएगा यस शशांक टॉप पर हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा लद्दाख में कितने बताए गए हैं लद्दाख में 477 सौ लेपर्ड जो है ना कहे गए हैं कि भारत में इतने क्या है हमारे पास लेपर्ड जो है वो मौजूद है है ना तो स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है जल्दी से बताएंगे स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किस कहा जाता है है ना हिम तेंदुए की राजधानी दुनिया में किसको कहा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा स्नो लेपर्ड कैपिटल हो जाएगी आपकी यस राजू यस रोहित स्नो लेपर्ड कैपिटल भी किसको कहा जाता है लद्दाख को कहा जाता है स्नो लेपर्ड कैपिटल है ना स्नो लेपर्ड कैपिटल भी इसे कहा जाता है और यहाँ पर किर्गिस्तान ने नेशनल सिंबल बनाया है इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है सबसे ज्यादा लद्दाख में है और कुल जनसंख्या जो है ध्यान रखेंगे सात हो जाएगी है ना तो ये डेटा जो है अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कल आ, कल ही जो है ये करवाया था तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्या है ये आपका जारी किया गया है सो so, सही आंसर क्या हो जाएगा किर्गिस्तान आगे आते हैं दो ओलंपिक का मेजबान कौन सा शहर है देखो ओलंपिक्स आपके चर्चा में रहने वाले हैं अभी तो इस साल तो वैसे भी होने वाले हैं राइट सो so, आपको पता होना चाहिए आगे के संस्करण भी कहां पर होने वाले हैं इसके अलावा जनवरी में हॉकी के ओलंपिक क्वालिफायर्स इवेंट हुए थे है ना इसके अलावा हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स आपके इवेंट जो हैं

ओलंपिक्स पर होने वाले हैं उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 2028 में ध्यान रखेंगे बच्चे कि लॉस एंजलिस में आपके क्या है ये होने वाले हैं और 2024 यानी इस साल कहां पर होने वाले हैं वेरी गुड भारतीजॉप इस साल कहां पर होने वाले हैं इस साल आप बोलेंगे भाई फ्रांस में इनका आयोजन जो है वो क्या है किया जाने वाला है राइट सो करेक्ट आंसर क्या होगा ध्यान रखेंगे पेरिस फिर लॉस एंजलिस फिर ब्रिस्बेन और फिर उसके बाद जो है भारत पूरी कोशिश में है कि दो में हम ही लोग क्या है ओलंपिक्स की मेजबानी करें अब तक हमने एक बार भी ओलंपिक्स को होस्ट नहीं किया है है ना ओलंपिक सबसे बड़ा आपका स्पोर्टिंग इवेंट होता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स यहीं पर खेले जाते हैं सबसे ज्यादा एथलीट्स ओलंपिक के खेलों में ही भाग लेते हैं तो बहुत बड़ा आपका इवेंट होता है इतने बड़े इवेंट को करवाने के लिए बहुत ज्यादा फंड की भी जरूरत पड़ती है ऑफकोर्स तो भारत भी चाहता है कि दो में जो है भारत पूरी कोशिश में है कि अहमदाबाद में इसे होस्ट करेंगे ठीक है आगे चलते हैं सो यहाँ पर दो में आ जाएगा ब्रिस्बेन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से किस शहर को वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है इंदौर भोपाल उदयपुर या फिर ऑल ऑफ द अबव सो वेटलैंड सिटी एक क्रेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत भारत ने कौन से शहरों को नॉमिनेट किया है एक होते हैं आपके रामसर स्थल और एक आ जाती हैं आपकी वेटलैंड सिटीज ऐसे शहर जहां पर वेटलैंड्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होंगे है ना तो ऐसे शहरों को वेटलैंड सिटीज में शामिल किया जाता है भारत में अभी तक एक भी वेटलैंड सिटी नहीं है यस बच्चो यस राजन तो यहां पर प्रश्न के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव है ना उपरोक्त सभी तो तीन शहर हैं यानी कि इंदौर भोपाल और उदयपुर इन तीनों शहरों को नॉमिनेट किया गया है भारत के द्वारा कि इन तीनों को वेटलैंड सिटी जो है भारत में बनाया जाए भारत में अभी तक एक भी वेटलैंड सिटी नहीं है सबसे ज्यादा वेटलैंड सिटीज आपको चाइना में देखने को मिलती हैं सो so ये वेटलैंड सिटी एग्रिडेशन की जो बात है ये कन्वेंशन इसके लिए साइन किया गया था साल 2015 में है ना तो रामसर कन्वेंशन के, के तहत ही हुआ था रामसर कन्वेंशन आप सबको पता होगा वैसे रामसर कन्वेंशन की बात करें है ना तो रामसर संधि के तहत क्या है ये आपका सिटी बनाने की बात जो है वो की गई थी साल 2015 में कि भी शहरों को भी वेटलैंड सिटीज का दर्जा दिया जाएगा तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत की तरफ से ध्यान रखना है इंदौर भोपाल और उदयपुर ये तीन हमारे शहर हैं इंदौर में बात करूं तो आपको सिरपुर लेक देखने को मिल जाता है जो वेटलैंड स्थल भी जो आपका रामसर स्थल भी है भोज वेटलैंड मिल जाता है फतेह सागर वेटलैंड मिल जाता है उदयपुर

फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ आ जाते हैं हर नेवल कमांड को फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के द्वारा हेड किया जाता है तो यहां पर वेस्टर्न के आपके अभी हाल ही में फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ कौन बने हैं संजय जसजीत सिंह आप लोग बोलेंगे राइट और वेस्टर्न की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न में आपके मुख्यालय कहां पर हो जाते हैं आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई सही आंसर होगा राइट ईस्टर्न में साथ साथ में अगर बात कर लेते हैं तो ईस्टर्न के मुख्यालय कहां पर आ जाते हैं ईस्टर्न के मुख्यालय बच्चे आ जाते हैं विशाखापट्टनम में आ जाते हैं है ना और ईस्टर्न में आपके जो वर्तमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ हैं 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 वो वो कौन हो जाते वो हो जाते राजेश हो जाते, है. कौन हो जाते है? राजेश हो जाते है सदर तो 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 so, नेवल कमान के है ना दक्षिणी दक्षिणी नौसेना कमान के इसके अलावा में बात करें तो आ जाएंगे आपके वी श्रीनिवास जो है क्या है फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ आपके हो जाते हैं सो so, तीन है आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न ईस्टर्न और सदर्न इनके मुख्यालय मेन आप ध्यान रख लेंगे और जनवरी में चर्चा में थे संजय जसजीत सिंह तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि कौन से नेवल कमांड के आपके क्या है फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ नेक्स्ट क्वेश्चन ने पंडुबी पर्यटन शुरू करने के लिए पंडुबी टूरिज्म कहीं नहीं है ना कहीं आप पंडुबी में बैठकर जो है पर्यटन नहीं कर सकते है. भारत में इस तरीके की सुविधा भी नहीं है ऐसी so, सुविधा इसमें से एक राज्य में लॉन्च की जाएगी वो राज्य कौन सा हो जाएगा यस नागेंद्र प्रसाद सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा सो so, गुजरात में लॉन्च किया जाएगा पांडुबी प्रयटन इसके लिए MDL MDL क्या है MDL आपकी कंपनी का नाम है मेजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मेजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कई जगह आपने इसका नाम सुना होगा है ना शिप बिल्डर्स जहाज बनाने का के कई कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर जाते हैं भारत सरकार की तरफ से सो so, MDL जो है MDL बनाएगा आपका एम uh, डीएल के साथ मिलकर क्या है गुजरात ये लॉन्च करेगा यहाँ पर अगर बात करें तो एमडीएल ये जहाज आपका तैयार करेगा ये सब पंडुब्बी जो है एक तरीके से तैयार करेगा राइट सो so ये पंडुब्बी आपकी तैयार की जाएगी और यहाँ पर ये पंडुब्बी पर्यटन जो है गुजरात के द्वारका शहर में जो है आपका लॉन्च किया जाएगा यस किसने लिखा है वेरी गुड सो सौ मीटर की गहराई में जो है बताया गया है फिलहाल के लिए कि ज, लेकर जाया जाएगा पर्यटकों को है ना और समुद्र की गहराई में भाई चीजें जो है दिखाई जाएंगी कि कैसे ओशन लाइफ जो है वो कैसी होती है सो so, गुजरात के द्वारा क्या है ये लॉन्च आपका किया जाएगा तो इसी के साथ साथ गुजरात पहला राज्य बन गया है भारत का जो कि सबमरीन टूरिज्म जो है आपका लॉन्च करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जलीकट्टू का आयोजन हर वर्ष भारत के किस राज्य में किया जाता है बिल्कुल ही जलीकट्टू बहुत ही बेसिक सवाल है यहाँ पर अगर बात करें तो कहां पर होता है फटाफट से बता देंगे तो अभी हाल ही में जलीकट्टू का आयोजन किया है है ना जलीगट्टू की बात करें तो कहां पर होता है सही आंसर क्या हो जाएगा यस सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में होता है इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी हाल ही में कौन सा मेला हुआ है वेस्ट बंगाल में भी इसी के साथ साथ हमने एक मेला पढ़ा था कौन सा मेला हुआ है वेस्ट बंगाल में बहुत मशहूर मेला है है ना तो कुंभ मेले के बाद जो है सबसे भीड़ वाला मेला जो आता है वो वेस्ट बंगाल में आता है क्या नाम हो जाएगा उसका यस कल्याण उसका नाम क्या हो जाएगा गंगा सागर मेला गंगा सागर मेला आपका हाल ही में वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है जलीकटू आपको पता है तमिलनाडु में हो जाएगा है, Bimstick, गया है कि के, के रूप में कार्यभार जो है वो किसने संभाला है तेंजिल लेकमा रोसेफ इंद्रमणि पांडे या फिर विशाल वी वर्मा तो बिम्स्टेक आपको पता होना चाहिए बिम्स्टेक की अगर बात करें तो बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव में लिख देती हूँ फुलफॉर्म बे ऑफ बेंगाल इनिशियेटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यहाँ पर अगर बिम्स्टेक की बात की जाए तो कहा गया है कि बिम्स्टेक के नए जो है ना महासचिव के तौर पर किसको चुना गया है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर वेरी गुड ऑप्शन सी ऑप्शन सी लिख रहे हैं यस yes, पीछे बिल्कुल सही लिख रहे हैं तो

कब स्थापित हुआ है बिम्स्टेक की अगर बात करें तो कौन से वर्ष में स्थापना हुई है तो ध्यान रखना है कि इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव बन चुके हैं ठीक इन्होंने जगह ली है तेंजिन तेंजिल की चौथे ये जो है महासचिव बन गए हैं बोलेंगे है ना सो so, सेवन में जो है आपका स्थापित हुआ है आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सो so, इंद्रमणि पांडे आपका सही आंसर हो जाएगा भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है उज्जैन ग्वालियर रांची या फिर पटना ग्वालियर रांची पटना या फिर उज्जैन प्रसादम की अगर हम बात करते हैं तो प्रसादम प्रसादम का उद्घाटन पर किया गया है है हमने पढ़ा था कि ये क्या है? भारत की पहली जो है है ना ये क्या फूड स्ट्रीट है जो बहुत ही हाइजीनिक है जहां पर हर चीज जो है हर खाने का जो आइटम है वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया जाएगा सो so इसे कहां पर लॉन्च किया गया है प्रसादम की अगर बात करें यस पूजा प्रसादम को लॉन्च किया गया है कहां पर उज्जैन में लॉन्च किया गया है उज्जैन सॉरी सो so, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्या है इसे लॉन्च किया गया है यहां पर अगर बात की जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश और यहीं पर इसी के साथ साथ लॉन्च किया गया था आपका यहीं पर इसी के साथ साथ आपका लॉन्च किया गया था मनहित तो इसी के साथ साथ आपका लॉन्च किया गया था मनहित एप्लीकेशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन भी ये भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी तो मनहित एप्लीकेशन मेंटल हेल्थ से आपकी जुड़ी हुई है इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रसादम जो है आपका भारत का पहला फूड स्ट्रीट है जहां पर खाने को बहुत ही हाइजीनिक तरीके से साफ और स्वच्छ तरीके से बनाया जाएगा जैसे आर के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा ग्लव्स वगैरह पहन के सारा प्रॉपर खाना तैयार किया जाएगा तो जो भी श्रद्धालु आते हैं उज्जैन में उनके लिए खाना तैयार किया जाएगा यहाँ पर फूड टीए लॉन्च की गई है कहां पर ट्रेन मध्य प्रदेश में आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहा गया है कि 2019 सॉरी 2024 में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है नॉन अलाइन मूवमेंट समिट इन 2024 कहां पर हुआ है अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका नाइजीरिया युगांडा या फिर आ, भारत तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एनएम की अगर बात की जाए तो एन ए एम क्या हो जाता है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लॉन्च किया गया था राइट ताकि जो विकासशील देश हैं जो विकासशील देश हैं उनके लिए उनको एक मंच मिल सके उनको एक फोरम मिल सके अपनी अपने हित में बात रखने के लिए राइट सो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा अगर हम एनएम समिट की बात करें ये साहिल सो इसका आयोजन कहां पर युगांडा के कंपाला में किया गया है सो सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाला युगांडा में इसका आयोजन बच्चे अभी हाल ही में किया गया है ये समिट हुआ है फटाफट से बताओ कि एटीन एन समिट जो है वो कहां पर हुआ है एटीनथ एन समिट जो है वो कहां पर किया गया है अगर हम लोग बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा एटीन वाला कहां पर हुआ है तो सही आंसर क्या हो जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा यस बाकू अज़रबैजान हो जाएगा यस सोमनाथ बाकू अज़रबैजान आपका बिल्कुल सही आंसर है अज़रबैजान में एटीन समिट हुआ था इसी के साथ साथ बात हो रही है अगर युगांडा की तो युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम बता देंगे मुझे कौन है वर्तमान में और युगांडा में ही आपका करवाया गया है जी के द्वारा तीसरा थर्ड साउथ समिट भी यहीं पर सेम जगह करवाया गया है थर्ड साउथ समिट भी जी सेवन सेवन के द्वारा कहां पर साउथ समिट जो है ना तीसरा साउथ समिट आपका यहाँ पर करवाया गया है कौन हो जाते हैं यहाँ पर युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरे मोसेविनी हो जाते हैं कौन हो जाते हैं योवेरी मोसेविनी हो जाते हैं योवेरी योवेरी मोसेविनी हो जाते हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे कि कंपाला युगांडा में क्या है दो चीजें हुई है, एक तो समिट हुआ है, अलाइन समिट हुआ है और इसी के साथ साथ, के द्वारा, थर्ड साथ समिट भी आपका, सेम युगांडा में ही करवाया गया है अगर बात करूं मैं, समिट में तो यहां पर जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं और अगर मैं बात करती हूं जी सेवन सेवन के द्वारा करवाए गए साउथ समिट की तो यहां पर हमारे राज्य विदेश मंत्री वी मुरलीधरन जो है मौजूद रहे हैं आगे आते हैं भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है कहां पर हुआ भारत का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार शो ग्लोबल ट्रेड शो जो है वो कहां पर हुआ है राजस्थान गुजरात वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र बहुत सिंपल आंसर आंसर है इसका करेक्ट क्या हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर गुजरात यहां पर फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा सो so, गुजरात की अगर बात करें जिसे पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया जा चुका है जिसे पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल भी जो है पिछले महीने दिया गया था जहां पर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में जो है ये राज्य सबसे ऊपर आ जाता है यहां पर हुआ है अभी हाल ही में वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट है ना वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट जो है अभी हाल ही में आपका यहीं पर आयोजित किया गया है राइट यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन रहे थे यहाँ पर चीफ गेस्ट रहे थे कौन से देश के प्रेसिडेंट? सो यहाँ पर चेक रिपब्लिक जो है जो चेक रिपब्लिक है उसके प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर क्या है चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे थे कौन हो जाएंगे पिट्रुफियाला हो जाएंगे सो पिट्रुफियाला क्या है यहाँ पर चीफ गेस्ट थे वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट में है ना तो करेक्ट आंसर क्या होगा नॉट पीएम मोदी आप बोलेंगे चेक रिपब्लिक के पेट्रफियाला जो प्रेजिडेंट है वो यहाँ पर इस गुजरात समिट के क्या है मुख्य अतिथि के तौर पर रहे बहुत बड़ा आपका ये इवेंट हुआ था है ना गेटवे टू द फ्यूचर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी गुजरात आपका बच्चे बिल्कुल सही जवाब होगा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टनी नामक पुस्तक के लेखक कौन नरवणे अमिताभ घोष रघुराम राजन या फिर शशि थरूर बात अगर यहाँ पर की जाए कि फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब जो है वो किसने लिखी है तो आंसर क्या हो जाएगा एम एम नरवणे अमिताभ घोष रघुराम राजन या फिर शशि थरूर तो फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कहा गया है तो ये किसने लिखा है एम एम नरवने लिखा है एम एम नरवणे कौन थे जल्दी से बताएंगे एम एम नरवणे कौन है एम एम नरवने ने क्या है अपनी आत्मकथा लिखी है एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अपनी जर्नी के बारे में लिखा है जो रघुनाम राजन कह रहे हैं रघुनाम राजन की अगर बात करें तो ये क्या है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है पूर्व आरबीआई गवर्नर आपके रह चुके हैं इनकी भी किताब अभी हाल ही में एक आई थी रीसेंट बुक है इनकी इनकी किताब का नाम हो जाएगा ब्रेकिंग द मोल्ड है ना ब्रेकिंग द मोल्ड ये किताब इन्होंने रोहित लांबा के साथ मिलकर लिखी है है ना सो ब्रेकिंग द मोल्ड इनकी किताब का नाम हो जाएगा एम एम नरवणे कौन हो जाएंगे फॉर्मर पूर्व लगा लो फॉर्मर है ना फॉर्मर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएंगे फॉर्मर चीफ चीफ ऑफ ऑफ आर्मी आर्मी स्टाफ स्टाफ हमारे हमारे हो जाएंगे M. M. 28 में जो है हमारे ही रह चुके हैं तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे, में, अपनी के बारे में जो है गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर इन ट्वेंटी फोर रॉबर्ट डाउनी जूनियर मर्फी बुरा सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आज के अभी हाल ही में दिए गए हैं ये सेरेमनी अभी हाल ही में हुई थी कैलिफोर्निया में यहां पर क्या है बोला गया है कि मेल एक्टर के लिए जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है तो मेल एक्टर के लिए यस कल्याण यस अमित मेल एक्टर के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है तो आप बोलेंगे कि किलियन मर्फी को जो है वो दिया गया है और फीमेल एक्टर की अगर मैं बात करती हूं तो फीमेल एक्टर के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है तो फीमेल एक्टर के लिए पुरस्कार दिया गया है लिली ग्लाट को दिया गया है लिली ग्लाट को दिया गया है इसी के साथ साथ बेस्ट मूवी आपकी कौन सी रही है ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मूवी जो है आपकी कौन सी रही है ड्रामा कैटेगरी में तो यहाँ पर जीती है, ओपन हाइमर यहां पर जीती है कौन सी मूवी यहां पर जीती है ओपन हाइमर राइट right? इसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी जो है ना बेस्ट मूवी कॉमेडी की श्रेणी में या म्यूजिकल की श्रेणी में कॉमेडी या फिर म्यूजिकल की श्रेणी में कौन सी रही है तो आ जाती है यहाँ पर पुअर थिंग्स आ जाती है ये चार आपको बस ध्यान रखने हैं ठीक है ये चार आपको बस ध्यान रखने हैं यहाँ पर किलियन वर्फी जो है सही आंसर हो जाएगा ओपन को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है ओपन बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी तो यहाँ पर ओपन को भी मिला है और उन्हीं के एक्टर हैं किलियन वर्फी आयरिश एक्टर हैं किलियन मर्फी जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दस ग्यारह बारह या फिर तेरह जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे की अगर हम लोग बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है दस ग्यारह बारह या फिर तेरह जनवरी है ना अगर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा दस जनवरी थीम क्या हो जाती है इसकी दस जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस वेरी गुड मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि 1949 में जो है पहली बार हिंदी भाषा जो है आपकी यू एन यूनाइटेड एड नेशन जनरल असेंबली में जो है बोली गई थी हिंदी भाषा राइट इसी के साथ साथ हिंदी दिवस भी भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस आपका अलग जो है ना डेट को मनाया जाता है कब 14 सितंबर को जो है हर साल क्या है हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है है ना हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है थीम क्या हो जाएगी पर साथ साथ में तो थीम आप बोलेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज टू ए है ना हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू ए ट्रेडिशनल नॉलेज टू ए, ए क्या है इसका विषय रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज टू

एडिशन जो है 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 हमें देखने को मिला जिसको होस्ट किसके द्वारा किया गया वेरी गुड बिल्कुल सही खातून सही आंसर क्या हो जाएगा नो नो नॉर्थ इंडिया सही आंसर क्या हो जाएगा यस yes, यूएसए हो जाएगा ठीक है यूएस नेवी के द्वारा सी ड्रैगन एक्सरसाइज को होस्ट आपका किया गया है तो यहाँ पर सही आंसर आप क्या बोलेंगे सही आंसर आप बोलेंगे ऑप्शन बी यूएसए के द्वारा इसको होस्ट किया गया है जहां पर क्वार में कौन से कौन से नेशन आ जाते हैं बच्चे कोआर्डनेशन और साउथ कोरिया ने भाग लिया है में कौन से, कौन से से आ जाते हैं एयरक्राफ्ट है आपका जिसने भारत की तरफ से यहां पर भाग लिया है पी एट आई एयरक्राफ्ट है वेरी गुड और इसके साथ साथ क्या पड़ा था कोआर्डनेशन बताइए क्वार में कौन से कौन से देश आते हैं कितने देश आते हैं देवाशीष लिखा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और नो नॉट साउथ कोरिया तो चार देश इसमें कौन कौन से आ जाते हैं बच्चे इंडिया जापान यूएस और ऑस्ट्रेलिया है ना सो so, इंडिया है ही ऑस्ट्रेलिया भी है ही है ना जापान आ जाता है और यूएस आ जाता है जापान आ जाता है और यूएस आ जाता है तो ये चार देश तो हो गए और प्लस साउथ कोरिया ने सी ड्रैगन एक्सरसाइज में भाग लिया है ठीक तो अगर मैं बात करूं सिर्फ की तो सिर्फ कोशन भी आपके मालाबार एक्सरसाइज में भी भाग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं ठीक तो आपको ये ध्यान रखना है कि सी ड्रैगन यूएस के द्वारा होस्ट की गई है चौथा संस्करण रहा है भारत की तरफ से पीएचआई एयरक्राफ्ट आपका रहा है आगे आते हैं कौन सा देश जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करेगा यहाँ पर पढ़ लेते हैं यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसकी जो मीटिंग होने वाली है इस साल वो कौन से देश में होने वाली है वेरी सिंपल क्वेश्चन सबको पता है कि कहां पर होने वाली है इस साल ये yes, भारत में होने वाली है बिल्कुल सही बच्चा भारत में होने वाली है इंडिया में होने वाली है इस साल यूनेस्को uh, की विश्व धरोहर समिति की बैठक होने वाली है यस yes, और ये पहली बार फर्स्ट टाइम जो है आप भारत इसको होस्ट करने वाला है राइट right? यहां पर अगर बात करें तो ये कौन सी मीटिंग होने वाली है इस साल मीटिंग है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की विश्व धरोहर समिति की जो कि भारत होस्ट करेगा नई दिल्ली में राइट right? बोला गया है कि जुलाई में ये मीटिंग आपकी होस्ट की जाएगी भारत इसे होस्ट करेगा इसके अलावा बात करू फोर्टी मीटिंग जो है आपकी कहां पर हुई थी तो फोर्टी आपकी जो है ये रियाद सऊदी अरेबिया

जो ऑफिशियल एंट्री गई है इस साल कि भाई इसे विश्वधरोहर स्थल बनाइए तो वो कौन सी गई है तो सही आंसर क्या हो जाएगा यस सूरज प्रताप मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स बोलेंगे हम बोलेंगे मराठा मिलिट्री परिदृश्य या लैंडस्केप्स आप बोल सकते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो है ना इन लैंडस्केप्स में टोटल 12 आपके अलग अलग किले और स्थान आते हैं जिसमें से 11 महाराष्ट्र के हैं और एक है तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट ठीक सो भारत की तरफ से मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इस साल के लिए नॉमिनेट किया गया है और इसी साल भारत ही खुद ही होस्ट कर रहा है इस मीटिंग को मेजबान भी खुद ही है तो ध्यान रखना है आपको उत्तर यहां पर सही क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का मेजबान कौन सा शहर रहा लाओस लोजानिक लाओसने या फिर दावोस तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है इसी के साथ साथ कई एमओयू भी साइन हुए हैं कई अग्रीमेंट भी साइन हुए हैं एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट यहां पर जो साइन हुआ था वो था तेलंगाना के साथ साइन हुआ था जिसके तहत तेलंगाना ना में जो है सी फोर आई आर सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्थापित किया जाएगा यानी कि औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र जो है क्या है स्थापित <coughs> औद्योगिक क्रांति के लिए क्या है ये केंद्र यहां पर स्थापित किया जाएगा राइट तो अगर मैं बात करती हूं तो ये मीटिंग कहां पर हुई है मीटिंग एस yes, निशी सिंह की मीटिंग हुई है कहाँ पर देवोस स्विट्जरलैंड में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आपकी रही है फिफ्टी सेकंड मीटिंग रही है और अगर साथ साथ में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना खुद की कब हुई है 1961 में और इसके भी हेडक्वार्टर्स जो है वो स्विट्जरलैंड में आ जाते हैं स्विट्जरलैंड में कॉलोनी में इसके क्या है आपके हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो कई रिपोर्ट्स हम लोग इनकी पढ़ते रहते हैं आपकी जेंडर गैप रिपोर्ट हो गई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स हो गया तो कई सारे इंडेक्स जो जारी करता रहता है, आगे आते हैं विज्ञान, के नौवे की मेजबानी किसने की है नई दिल्ली फरीदाबाद गाजियाबाद या फिर नोएडा जो हुआ है साइंस फेस्टिवल का अगर उसकी साथ साथ में बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर हुआ है, है ना और राज्य बता देंगे साथ साथ में तो और अच्छा रहेगा कि भारतीय विज्ञान महोत्सव जो है ये कहाँ पर हुआ है इस साल सो यस कौन सा संस्करण हुआ है नोवल संस्करण हुआ है पिछला कहाँ पर हुआ था वेरी गुड फरीदाबाद यस yes, अभिषेक यादव हरियाणा फरीदाबाद शहर में क्या है इसका आयोजन आपका किया गया फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन जो है बच्चे को किया गया है यहाँ पर साथ साथ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पिछला एडिशन कहाँ पर बताया था कहाँ बताया था लास्ट एडिशन एथ एडिशन कहाँ पर हुआ था थीम भी पड़ी थी हमने है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल इस साल का ये थीम रखा गया था वेरी गुड निशु कुमारी बिल्कुल सही लिखा है पिछले साल पिछले साल का को, कोई नहीं बता रहा एट्थ यस yes, अगर हम बात करें तो भोपाल में है ना भोपाल मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा जो एट्थ हुआ था वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था इसकी शुरुआत जो हुई थी कौन से वर्ष में हुई थी तो शुरुआत आप बोलेंगे साल 2015 से ये साइंस फेस्टिवल जो है ये हर साल अलग अलग जगहों पर करवाया जाता है और इस साल फरीदाबाद में हुआ है ध्यान रखिए एग्जामिनर एक ये प्रश्न पूछ सकता है सो ऑप्शन बी फरीदाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन स्टेट महाराष्ट्र तमिलनाडु केरल या फिर गोवा so भारत का सबसे लंबा जो समुद्री पुल है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है यहां पर सही उत्तर क्या बोलेंगे आप लोग वेरी गुड सबको पता है नाम क्या हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में हुआ है और इसे नाम क्या दिया गया है इसे नाम दिया गया है अटल सेतु इसे नाम क्या दिया गया है इसे नाम दिया गया है अटल सेतु सबसे लंबा ब्रिज भी है और सबसे लंबा समुद्री पुल भी है इसके लंबाई की अगर बात कर लेते हैं सबसे लंबा कहा गया है तो लंबाई जो है इसकी कितनी हो जाती है ट्वेंटी वन पॉइंट एट किलोमीटर्स की इस पुल की लंबाई हो जाती है जो कि मुंबई से रायगढ़ को कनेक्ट कर रहा है जो कि मुंबई से रायगढ़ को कनेक्ट कर रहा है सो ये क्या है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह पुल जो है रखा गया है अटल सेतु इसे नाम दिया गया है और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा है ना सो ध्यान रखना है कि अटल सेतु का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा इसका इनग्रेशन जो है रिसेंटली महाराष्ट्र में किया गया था आगे आते हैं भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है है ना तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है ये भी बता दो तो सही आंसर क्या हो जाएगा पंद्रह जनवरी को मनाया जाता है ठीक है अब यहाँ पर डेज एक बार देख लेंगे आसपास जो इंपॉर्टेंट आते हैं पंद्रह जनवरी को आ जाता है आर्मी डे चौदह जनवरी को आ जाता है आर्म्ड फोर्सेज डे पड़ा था आर्म फोर्सेस वेटर डे आ जाता है है ना आर्म फोर्सेज वेटरस डे आ जाता है इसके साथ साथ सोलह जनवरी को हम लोग कौन सा दिन मना लेते हैं इंपॉर्टेंट डे है आपका स्टार्टअप डे हम लोग मना लेते हैं नेशनल स्टार्टअप डे हमारा आ जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बस हमारा आ जाता है नेशनल स्टार्टअप डे जो है हम लोग यहाँ पर मना लेते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इस साल स्टार्टअप डे जो आपका मनाया गया है है ना यहाँ पर अवार्ड्स भी आपके दिए गए हैं तो जो बेस्ट परफॉर्मर्स बच्चे यहाँ पर रहे हैं है ना जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है बेस्ट परफॉर्मर्स में आपके तीन स्टेट्स रहे हैं कौन से कौन से तीन स्टेट्स हो जाएंगे इस साल है ना क्योंकि आपकी नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग भी क्या है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग भी आपकी इस साल जारी की गई थी स्टार्टअप रैंकिंग भी जारी की गई है पीयूष गोयल के द्वारा राइट सो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस आपके कौन से कौन से तीन हो जाएंगे वेरी गुड सूरज प्रताप गुजरात कर्नाटक और रला हो जाएंगे सो so, बेस्ट परफॉर्मर्स गुजरात कर्नाटक और केरला आप लोग ध्यान रखेंगे पर है ना सो so, ये डे भी आपका मनाया गया है इसी के साथ साथ अगर मैं आर्मी डे पर आ जाती जनवरी को क्यों मनाया जाता है क्योंकि पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे कौन के एम करियप्पा बने थे सबसे पहले कमांडर इन चीफ है ना तो फ्रांसिस बुचर से जो है वो लास्ट ब्रिटिशर थे और उसके बाद पहले भारतीय कमांडर इन चीफ हमारे बने थे के एम करियप्पा इसी तारीख को बने थे पंद्रह जनवरी को इसलिए क्या है फिफ्टीन जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी डे और 14 जनवरी को वेटरन मनाया जाता है, है राष्ट्रीय युवा दिवस यूथ डे जो है आपका वो मनाया जाता है सो so, नेशनल यूथ डे कब लग 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 मनाया जाता है भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जो है जन्मतिथि आती है बर्थ एनिवर्सरी आती है एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग कि इस साल जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है बच्चे वो कहां पर हुआ है है ना नेशनल यूथ फेस्टिवल जो इस साल छब्बीसवा करवाया गया है ये कहां पर हुआ है अगर मैं इसकी बात कर लेती हूँ नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पर करवाया गया है यूथ डे आ जाएगा बारह जनवरी को उसी के उपलक्ष्य में क्या जाएगा? आ जाएगा यूथ फेस्टिवल आ जाएगा वेरी गुड बच्चे Yes, शुभम कहां पर हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे कि इस साल जो है नासिक महाराष्ट्र में जो है क्या है ये फेस्टिवल आपका करवाया गया है ठीक है तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे युवा दिवस 16 जनवरी को स्टार्टअप डे आ जाएगा सप्ताह भी आता है इसका और 14-15 जनवरी आपके आर्म फोर्सेस से क्या है रिलेटेड रहेंगे तो इंडियन आर्मी डे की बात करें तो 15 जनवरी आपका उत्तर हो जाएगा आगे आते हैं 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो क्या रहा है सेवेंटी नाइन फिफ्टी या फिर एटीएथ है ना तो अगर मैं बात करती हूँ तो सही आंसर क्या हो जाएगा भारत यस अभिषेक यस 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 अमन चौहान यस करण सही आंसर क्या बोलेंगे आप एटीएथ पोजीशन पर भारत यहां पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका जारी किया गया फिर से इस साल जनवरी के महीने में राइट सो तो पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो क्या होता है इसमें कि पासपोर्ट्स की रैंकिंग की जाती है कौन से देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है उसको उतने ही टॉप पर रखा जाता है भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत एटीएथ पोजीशन पर रहा है भारत का पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो वो 62 डेस्टिनेशंस जो है स्थान या स्थल जो है क्या है कवर कर सकता है बिना वीजा अप्लाई किए इसी के साथ साथ भारत ने ये पोजिशन शेयर की है उजबेकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान भी आपका क्या है एटीएथ पोजिशन पर रहा है बात अगर करें फर्स्ट पोजिशन पे तो फर्स्ट पोजिशन पे छह नेशन रहे हैं छह देश आपके रहे हैं जर्मनी हो गया इटली हो गया फ्रांस हो गया जर्मनी इटली फ्रांस स्पेन सिंगापुर और जापान है ना फ्रांस स्पेन सिंगापुर और जापान ये छह देश हैं आपके जो कि क्या है इस साल टॉप पर रहे हैं इस पासपोर्ट में सिंगापुर और जापान तो यूजुअली टॉप पर रहता ही है तो ये छह देश हैं जो कि क्या है फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं भारत यहां पर 8th पोजीशन पर रहा है और लास्ट रैंक इसकी रही है लास्ट रैंक किसकी रही है आखिरी स्थान पर कौन सा देश रहा है कौन सा बोलेंगे किसका पासपोर्ट जो है दुनिया भर में सबसे कमजोर है सो लास्ट पोजिशन पर कौन सा आ जाएगा हम्म सो लास्ट पर कौन सा आ जाएगा आपका अफगानिस्तान आ जाएगा वेरी गुड सो लास्ट पोजिशन पर चला जाता है अफगानिस्तान पावरफुल मतलब right? अभी भी एटी ही है आगे आते हैं विंग्स इंडिया दो का मेजबान कौन सा शहर है, है? हैदराबाद कोलकाता बेंगलुरु या फिर मुंबई तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा देखो विंग्स इंडिया ट्वेंटी आपका करवाया गया है इसका जो विषय रखा गया था वो रखा गया था एडवांस्ड एयर मोबिलिटी एडवांस्ड एयर मोबिलिटी के ऊपर क्या है ये आपका करवाया गया है ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट जो है इसे कहा गया है तो ये कहाँ पर हुआ है हैदराबाद में और हैदराबाद के कौन से एयरपोर्ट पे बोलेंगे आप लोग हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर है बच्चे विंग्स इंडिया यहां पर करवाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा है ना और भी आपके दो तीन संगठन जिनके द्वारा करवाया गया है सो so, क्या है ये सिविल एविएशन के द्वारा इसको होस्ट सिविल एविएशन का आपका इवेंट था आपका एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा वेरी गुड एयरपोर्ट हो जाएगा बेगमपेट एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा बेगमपेट एयरपोर्ट जो है आपका हो जाएगा जहां पर इसका आयोजन जो है किया गया है सो so, सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए हैदराबाद सहयोग अभ्यास के साथ साथ में बात कर लेते हैं सहयोग कायजन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त तो सैन्य अभ्यास है यूएस कजाकिस्तान जापान या फिर रशिया यूएस कजाकिस्तान जापान या फिर रशिया सहयोग कायजन दोनों में से किसके साथ हुआ है अभी आ रहे हैं शशांक उस क्वेश्चन पे रुको 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 रुकू जरास yes. सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सहयोग आयोजन की बात अगर करें तो भारत और जापान के बीच है ना बिल्कुल सही लिखा है अच्छा एक प्रश्न का आंसर करेंगे कि भारत की तरफ से हाँ पर कौन सा जहाज जो है मौजूद था उस जहाज का नाम आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि ये क्या है दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स के बीच की एक्सरसाइज है दोनों देशों के जो तटरक्षक बल है कोस्ट गार्ड जो है उनके बीच का आपका यह अभ्यास है राइट यस बिल्कुल सही किसने लिखा था ये याशिमा और बिल्कुल सही लिखा है अगर बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य हो जाएगा और वहां से जापान की तरफ से हो जाएगा याशिमा जहाज हो जाएगा तो इन दोनों जहाजों ने भाग यहां पर लिया है साल 2006 से आपका यह अभ्यास जो है वो हो रहा है भारत और जापान दोनों के बीच का आपका ये अभ्यास है ध्यान रखेंगे कि ये कोस्ट गार्ड के बीच होता है क्योंकि बहुत ही कम अभ्यास है जैसे कोस्ट गार्ड के साथ होते हैं यूजली क्या है नौसेना आ जाती है वायुसेना या सेना के साथ इस तरीके के अभ्यास किए जाते हैं ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है Ronaldo, Messi, या फिर तो इसका आंसर सबको पता ही है कि फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के तौर पर किसे घोषित किया गया है सही आंसर क्या हो जाएगा लॉयनल मेसी वेरी गुड संजय सही आंसर क्या हो जाएगा लियोनल मेसी कहा के प्लेयर है लियोनल मेसी फटाफट से बताएंगे लियोनल मेसी मेसी को दिया गया है फीफा के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब साथ साथ में अगर मैं वुमेन्स की बात कर लेती हूँ वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है सो so, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है किसको एटाना बोनमती को दिया गया है किसको दिया गया है एटाना बोनमती को दिया गया है जो कि आपकी स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर है राइट सो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं इतना तो पता होगा

कुवैती तो हमने पढ़ा था कि टॉप टेन करेंसीज की सूची फोर्स के द्वारा जारी की गई थी क्या है एक बिजनेस मैगजीन है अमेरिका की यहाँ पर बात करें तो फोर्स के द्वारा टॉप टेन करेंसीज की सूची जो है वो क्या है जारी की गई थी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो कौन सी हो जाती है यश yes, प्रदीप सबसे स्ट्रॉगेस्ट हो जाती है कुवैती धुनार हो जाती है सो कुवैती दिनार सबसे स्ट्रांगेस्ट है इंडिया का जो रूपीज है उसकी रैंकिंग नहीं है कहीं भी लीस्ट रैंक लीस्ट जो है आपका यानी कि जो चीपेस्ट करेंसी है अगर मैं बात करती हूं चीपेस्ट की भी ये जो है ना लिस्ट फोर्ब्स ने जारी की थी तो चीपेस्ट के हिसाब से आपका आ जाता है ईरानियन रियाल जो है आपका आ जाता है चीपेस्ट करेंसी दुनिया में राइट और सबसे महंगी जो मुद्रा है वो हो जाती है कुवैती दिनार हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हर साल मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है उन्नीस बीस इक्कीस या फिर बाईस जनवरी सो मेघालय फाउंडेशन डे की अगर मैं बात करती हूँ तो एक बात मुझे बताएंगे कि मेघालय के साथ साथ और दो कौन से राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस इसी तारीख को आता है सो इक्कीस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जाएगा वेरी गुड ट्वेंटी ऑफ जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेघालय स्थापना दिवस इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो मेघालय के साथ साथ जो है ना और, और कौन से दो राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस आता है फटाफट से हम्म कौन से यस yes. मिजोरम और त्रिपुरा वेरी गुड अगर हम लोग बात करते हैं तो त्रिपुरा मिजोरम और आपका आ जाता है मेघालय है ना तो तीन राज्य आ जाते हैं जिनका 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो जनवरी महीने में दो और राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस आता है एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो दिवस है या यूपी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है वो आ जाता है चौबीस जनवरी को हर साल जो है वो मनाया जाता है ना इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश दिवस भी आपका मनाया जाता है अगर हिमाचल प्रदेश दिवस की मैं बात करती हूँ तो हिमाचल प्रदेश दिवस जो है ये कब मनाया जाता है जल्दी से बताएंगे हिमाचल प्रदेश दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है हिमाचल का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 जनवरी को आ जाएगा ट्वेंटी ऑफ जनवरी को आ जाएगा तो यहाँ पर ये जो है पांच स्टेट्स का फाउंडेशन डे आप कह सकते हैं कि जनवरी में मनाया जाता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेघालय त्रिपुरा मिजोरम बोले तो इनका जो फाउंडेशन डे है ये कब आ जाएगा 21 को आ जाएगा तीनों राज्यों को स्टेटहुड जो है 1972 में जो है वो दिया गया था आगे आते हैं कौन सा देश चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पांचवा देश बन गया है जापान भारत यूके या फिर जर्मनी फिफ्थ नेशन जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट जो है चांद पर उतारा है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान वेरी गुड अगर बात करते हैं तो जापान आपका सही आंसर हो जाएगा जापान के इस मिशन का नाम क्या हो जाएगा स्लिम है ना स्लिम या फिर स्पाइनर मिशन भी कई जगह जो है वो कहा गया है तो यहाँ पर अगर स्लिम की बात करते हैं तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इसके तहत क्या है जापान पांचवा देश बन गया है जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड किया है सफल तरीके से राइट इससे पहले यस yes, जाक्सा हो जाती है इसकी स्पेस एजेंसी वेरी गुड बच्चे बिल्कुल सही जाक्सा इसकी स्पेस एजेंसी हो जाती है जापान के ध्यान रखना है जाक्सा स्पेस एजेंसी का नाम है जो कि मिशन लॉन्च करती है मिशन का नाम नहीं है जाक्सा राइट पांचवा देश बन गया है इससे पहले कौन से चार देश हो चुके हैं राइट कौन से कौन से आपका रशिया हो चुका है यूएस हो चुका है चाइना हो चुका है और भारत ये चार देश ऑलरेडी जा चुके हैं पांचवा देश अभी हाल ही में जापान बना है अपने स्लिम मिशन के तहत सो ऑप्शन ए जापान आप बोलेंगे बिल्कुल सही उत्तर है आगे आते हैं सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है रश्मि शुक्ला राहुल राजगोत्रा नीना सिंह या फिर दलजीत सिंह चौधरी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ एसएसबी तो से ही मैच करता है सड़क सुरक्षा बल तो सड़क सुरक्षा बल ध्यान रखेंगे कि सड़क सुरक्षा बल जो है आपका है ना सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब बन गया है पंजाब ने लॉन्च किया है एक सड़क सुरक्षा बल पंजाब ही है जिसने राइट टू वॉक भी दिया है वो भी पंजाब हो जाएगा और यहाँ पर दलजीत सिंह चौधरी ये स्नेत्र दलजीत सिंह चौधरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सो दलजीत सिंह चौधरी जो है क्या है एस के नए आपके अध्यक्ष बन गए हैं रश्मि शुक्ला जो इनसे पहले थी लास्ट ईयर उनको क्या है महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया है पहली महिला डीजीपी बनी है है ना तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दलजीत सिंह चौधरी जो जो है है एसएसबी के नए आपके महानिदेशक बन गए हैं यश निशु एस के साथ साथ में अगर बात करते हैं तो उसका स्थापना दिवस दिसंबर को आता है स्थापना दिवस जो है हम बोलेंगे बीस दिसंबर और वर्ष अगर हम बोले तो नाइनटीन हो जाएगा राइट सो so, दलजीत सिंह चौधरी नए महानिदेशक बने हैं ध्यान रख लेंगे निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में भारत की शास्त्रीय भाषा रूप में जोड़ा जाएगा जोड़ा जाएगा है ना जोड़ा जाएगा ध्यान रखेंगे जोड़ा नहीं गया है जोड़ा जाएगा तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज विल बी एडेड विल बी एडेड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया किया जाएगा किया नहीं गया है बहुत बड़ा फर्क है तो पर अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी इसमें से इसमें से हो जाएगी फारसी या पर्शियन लैंग्वेज है ना सो so, फारसी लैंग्वेज जो है इसे क्या है शामिल किया जाएगा बच्चे ध्यान रखना है कि अभी हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेज है, है ना बहुत सारे बच्चे नौ कहने लग गए हैं तो ध्यान रखना है कि सिक्स ही हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है अभी भी इसमें प्लस हमारी थ्री और लैंग्वेजेस होने वाली है एक तो हो जाएगी इसमें से पर्शियन या फारसी आप बोल सकते हैं पाली और प्राकृत तो so, ये तीन हमारी लैंग्वेजेस हैं जिनको शामिल किया जाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लेकिन अभी तक किया नहीं गया है सिर्फ अभी तक घोषणा की गई है ऐसी कई चीजें होती हैं जिनकी घोषणा कर दी जाती है बट बाद में नहीं हो पाती हैं तो ध्यान रखिए कि अभी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस कोई भी पूछे तो बोलना कि छह ही हैं भाई है ना और बोलना कि भाई होने वाली है अभी हुई नहीं है बाकी की तीन जो लैंग्वेजेस हैं वो अभी हुई नहीं है ठीक है सो तो सिक्स है सबसे पहली हो जाएगी यस yes, सबसे पहली हो जाएगी तमिल जिसे साल 2004 में शामिल किया गया था तो प्रश्न के आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है किस राज्य ने मनाया अभी हाल ही में नागालैंड मेघालय अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम सो तो अगर मैं पक्के पागा हॉर्नमिल फेस्टिवल की बात करती हूँ तो पक्के पागा हॉर्नमिल फेस्टिवल का नौवा संस्करण मनाया गया है कहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा वेरी गुड लोकेश मीना ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है तो हॉर्नबिल के ऊपर जो है इसके संरक्षण की बात की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो पक्के पागा टाइगर रिजर्व है आपका जो पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पर क्या है चार अलग अलग प्रजातियां जो है स्पीशीज जो है वो हॉर्नबिल की देखने को मिलती हैं एक वो जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश में होता है और एक आता है सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कौन से राज्य में मनाया जाता है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है इसके अलावा नागालैंड में अभी हमने रिसेंटली एक और फेस्टिवल पढ़ा था कौन सा फेस्टिवल है कल ही पढ़ा है हमने नागालैंड में एक और फेस्टिवल हमने पढ़ा है कौन सा फेस्टिवल आ जाता है जहां पर रुसोमा गाँव भी आपका आ जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा सोमा कौन सा हो जाएगा लेटर हॉनबिल्स वेन ये इसकी थीम रही है और ऑरेंज फेस्टिवल हो जाता है ये yes. कौन सा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आ जाता है सो रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल भी अभी हाल ही में आपका क्या है मनाया गया है जनवरी के महीने में ये भी नागालैंड के रूसोमा गांव में मनाया जाता है जहां पे संतरे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑरेंजेस जो है उगाए जाते हैं राइट सो so, सही आंसर क्या बोलेंगे आप अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के आधार पर आगे आते हैं विंग्स इंडिया ट्वेंटी में किस शहर के हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है राइट सो ये एक बार मैंने आपसे हो

कैंपे गाउड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा दिल्ली का हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट राइट सो so, इन दोनों एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट्स का अवार्ड जो है दिया गया है इसी के साथ साथ अगर बात कर लेते हैं बेस्ट एयरलाइन की तो यहाँ पर बताओ शशांक आंसर हो जाएगा बेस्ट एयरलाइन का जो अवार्ड है वो किससे मिला है सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट हो जाएंगे हमारे कैंपेगौड़ा जो बेंगलुरु में है और इंदिरा गांधी जो दिल्ली में है तो ये दोनों एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट हमारे हो जाएंगे डब्ल्यू द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त अभी हाल ही में घोषित किया गया है इंडिया नाइजीरिया युगांडा या फिर काबो वर्दे मलेरिया फ्री घोषित किया है अभी हाल ही में डब्ल्यू एच ओ ने किस देश को डब्ल्यू एच ओ की अगर बात हो रही है तो साथ साथ में हमने वर्ल्ड लिपरेसी डे भी पढ़ा है वर्ल्ड लिपरेसी डे भारत में कब मनाया जाता है सो so भारत में वर्ल्ड लिपरेसी डे आपका मनाया जाता है कौन सी तारीख को तीस जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी को ही आता है शहीद दिवस डे आपका मनाया जाता है शहीद दिवस या शहीद शहीद दिवस आपका मनाया जाता है राइट और अगर मलेरिया फ्री की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा काबो यस मीनू बलियान यस yes, मीनू मलियान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काबो वर्दे अफ्रीकी देश है आपका ये तो ये तीसरा अफ्रीकी देश बना है तीसरा अफ्रीकी देश है ठीक है टोटल कंट्रीज आपकी 43 हैं जिनको मलेरिया फ्री घोषित जो है वो किया जा चुका है राइट तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा काबो वर्दे को मलेरिया मुक्त तो घोषित किया गया है मलेरिया नहीं है वहां पर ऐसा कहा गया है दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत मलेरिया फ्री अभी नहीं है ठीक इसके अलावा डब्ल्यू एच ओ के द्वारा जो है लेपरेसी को एक एन टी डी में भी रखा गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की सूची में रखा गया है तो लिपरेसी डे आपका भी हाल ही में पड़ा था कि तीस जनवरी को भारत में मनाया जाता है और दुनिया भर में जो लास्ट संडे होता है जनवरी का उस दिन मनाया जाता है ठीक है साउथ एशिया में श्रीलंका वालदीव वेरी गुड साहिल बिल्कुल सही लिखा है तो यहाँ पर अफ्रीकी देश की अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में काबू वर्दी इसलिए चर्चा में था अफ्रीकी देश का ध्यान रखना है आगे आते हैं किस राज्य के पैराशूट अस्पताल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र यूपी या फिर केरल तो सिक्सटी पैराशूट हॉस्पिटल जो है आपका ये कहाँ का है जिसको आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस कब आता है और यहाँ पर कौन सा दिन मनाया जाता है दिन का नाम भी आप लोग मुझे बताएंगे हॉस्पिटल की बात करें तो निशु यस उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूपी उत्तर प्रदेश का हॉस्पिटल है ये जिसने कई जगह जो है जहां भी डिजास्टर्स हुए हैं कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है तो वहां पर मदद पहुंचाई है राइट तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार इसीलिए दिया जाता है तो ये संस्थान को दिया गया है तो यहाँ पर फिफ्टी लाख रुपीज की राशि साथ साथ में दी जाती है अगर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा कोई इंडिविजुअल को दिया जाएगा तो उसे राशि पांच लाख रुपए दी जाती है और इसी के साथ साथ यस गुड़िया बिल्कुल सही कब आता है ये दिन इसकी बात करें तो ये दिन कब मनाया जाता है तेईस जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस आता है और दिन हम कौन सा बोलेंगे पराक्रम दिवस बोलेंगे सो तेईस जनवरी को मनाया जाता है आपका कौन सा डे बच्चे पराक्रम डे जो है या ब्रेवरी डे आप इसे कह सकते हैं या फिर डे ऑफ करेज भी आप इसे कह सकते हैं ये डे कब आता है ये तेईस जनवरी को मनाया जाता है आगे आते हैं दो में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण नीतीश कुमार या फिर भूपेन हजारिका सो आपके पद्म अवार्ड आपके कई सारे अवार्ड जो है अभी छब्बीस जनवरी के उपलक्ष्य में अप्रूव किए गए राष्ट्रपति के द्वारा बात अगर करें सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है कौन सा अवार्ड भारत रत्न तो किसको दिया जाएगा सत्यप्रकाश वेरी गुड कर्पूरी ठाकुर कर्पुरी ठाकुर कौन जिनको भारत रत्न दिया जाएगा इनको पॉस्ट्यूमसली दिया जाएगा मतलब मरणोप्रांत जो है क्या है इनको ये पुरस्कार दिया गया और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कौन है कर्पूरी ठाकुर पी एस शशांक फॉर्मर सीयर सीएम ऑफ बिहार बिहार के आपके पूर्व मुख्यमंत्री <coughs> अगर बात की जाए तो <coughs> बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ग्यारहवें आपके चीफ मिनिस्टर हैं राइट तो इनको क्या है पोस्टिमसली भारत रत्न से 2024 के लिए आप बोलेंगे कि कौन है कर्पूरी ठाकुर इनसे पहले 2019 में तीन लोगों को दिया गया था राइट सो so, पर अगर बात करें तो प्रश्न के हिसाब से आपका सही उत्तर क्या आप बोलेंगे कर्पूरी ठाकुर आप सही आंसर कहेंगे आगे आते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे आपका हर साल कब मनाया जाता है सो नेशनल वोटर्स डे की अगर हम बात करते हैं तो कब मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे पच्चीस जनवरी को मनाया जाता है पच्चीस जनवरी को क्यों मनाया जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा ECI, इसकी स्थापना इसे दिन हुई थी 1900 वर्ष 1950 में राइट सो करेक्ट आंसर क्या होगा पच्चीस जनवरी को और थीम क्या हो जाएगी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर सो ऑप्शन सी पच्चीस जनवरी को हर साल क्या है यह दिन आपका मनाया जाता है पच्चीस जनवरी को जो है क्या है हर साल ये दिन आपका मनाया जाता है आगे आते हैं एफ हॉकी फाइव एस महिला विश्व कप का मेजबान कौन सा देश है और ये किसने जीता है एफ हॉकी का फाइव एस वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पर हुआ है और ये जीता किसने है दोनों का आंसर कर देंगे तो ये हुआ कहाँ पर है ये साक्षी ये हुआ कहाँ पर है ये हुआ है ओमान में वेरी गुड मस्कट ओमान में हुआ है पहली बार हुआ है और ये जीता किसने है 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 तो जीता 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 हम बोलेंगे कि किसने पवन यस ये जीता है, जीता है, so, ने राइट सो नीदरलैंड है और नीदरलैंड है नीदरलैंड को हराया है सो so, इंडिया ने यहाँ पर जीता है सिल्वर मेडल या बोलेंगे रनर अप रहा है इंडिया राइट सो so, वुमेन्स का हुआ है अभी जो है आपका मेंस का भी हो गया है हम लोग कल की क्लास में उसे पढ़ेंगे आगे आते हैं तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आप क्या बोलेंगे ऑप्शन डी ओमान मेजबान ओमान जीता है नीदरलैंड्स ने इंडिया रहा है रनर अप विमेन्स की श्रेणी की बात हो रही है इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर फिफ्थ भारत का क्या स्थान है स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करते हैं शेयर बाजार की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर आ चुका है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भारत चौथे स्थान पर आ चुका है वेरी गुड भारत ने किसको पीछे किया है पांचवें स्थान पर अब कौन सा चला गया है सबसे स्ट्रांगेस्ट जो है आप बोलेंगे कि सबसे स्ट्रांगेस्ट जो है वो हो जाएगा आपका यूएस का स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा जो है उसकी वैल्यूएशन है भारत के स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो बताई गई है 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन जो है ये बताई गई है ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है किसके द्वारा ब्लूमबर्ग के द्वारा ये रिपोर्ट जो है बच्चे क्या है जारी की गई है सो so फोर थ्री थ्री ट्रिलियन डॉलर जो है क्या है वैल्यूएशन बताई गई है और हांगकॉन्ग जो है अब आपका फिफ्थ पर चला गया है पहले हांगकॉन्ग जो है वो चौथे स्थान पर हुआ करता था अगर हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं भारत में जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट कौन करता है तो उसको उसका नियंत्रण कौन करता है तो सेबी उसका नियंत्रण करता है यहाँ पर ऑप्शन सी फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा दुनिया की पहली मिलेस्टिक टाइगर सफारी स्थापित जो है वो कौन सा राज्य करने वाला है मेलेनिस्टिक टाइगर्स की बात करें या फिर हम लोग ब्लैक टाइगर्स की बात करें है ना तो दोनों एक ही बातें हो जाएंगी बोला गया है कि ब्लैक टाइगर्स की सफारी जो है वो कौन से राज्यों में लॉन्च की जाएगी या मिलेनिस्टिक टाइगर जो है उसकी सवारी कहाँ लॉन्च की जाएगी तो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा एक ही स्थान हो सकता है क्योंकि एक ही जगह है जहां पर हमें ब्लैक टाइगर्स देखने को मिलते हैं ओडिशा का कौन सा है आपका ओडिशा में कहा मिलते हैं तो आप बोलेंगे आपका तुम्हीं। तुम्हीं। so, सिमिली पाल आपका टाइगर रिजर्व वेरी गुड बच्चे सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ये साक्षी सो ओडिशा का सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है जहां पर सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है टाइगर रिजर्व जहां पर क्या है हमें जो है ये ब्लैक टाइगर्स देखने को मिलते हैं इन्हें टाइगर्स भी कहा जाता है तो ये सफारी आपकी लॉन्च की जाएगी जिससे जो, जो हैं वो भी क्या है ब्लैक टाइगर्स को देख सके तो सफारी तो शायद की होगी कई लोगों ने नॉर्मल टाइगर रिजर्व में भी की जाती है टाइगर्स को देखने के लिए सो यहां पर ब्लैक टाइगर्स को देखने के लिए ये सफारी जो है आपकी लॉन्च की जाएगी आगे आते हैं इन सैट थ्रीडियस उपग्रह किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा इन सैड अभी फिर से चर्चा में है इन सैट को इसी महीने फरवरी में लॉन्च किया जाएगा अभी रिसेंटली पढ़ा था अगर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर यस yes, अनीता यहाँ पर सही नहीं नहीं, नहीं अनीता इन साइड थ्री डी एस की अगर बात करें तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया इंडिया के द्वारा क्या है इन साइड थ्री डी एस को लॉन्च किया जाएगा ये क्या है आपकी एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है है ना जो मौसम वगैरह बताती है जो सैटेलाइट satellite आपको सैटेलाइट्स के जरिए ही हम सारा डेटा कलेक्ट कर पाते हैं कि भाई कल बारिश होगी कल धूप होगी या यहाँ बादल ज्यादा छाए रहेंगे यहाँ तेज बारिश होने वाली है तो ये सारी सैटेलाइट्स के जरिए ही हो पाता है तो इन सैट थ्रीडीएस की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है इसी तरीके की एक सैटेलाइट है जो भारत के द्वारा आपकी लॉन्च की जानी है है ना इसके वेट की अगर बात करें तो उसका वजन बताया गया है 2275 केजी का इसका वेट है इस सैटेलाइट का इस उपग्रह का है ना और इसका लॉन्च व्हीकल क्या हो जाएगा इसका लॉन्च व्हीकल हो जाएगा अमन क्या हो जाएगा जीएसएलवी है ना क्या बोलेंगे हम लोग जीएसएलवी एफ फोर्टीन से क्या है आपकी ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाएगी तो यहाँ पर भारत इसको लॉन्च करने वाला है भारत का इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है बहुत पुराना है सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी हो जाएगी सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी बताई थी <coughs> जो कि इन के तहत लॉन्च की गई थी सबसे पहली सैटेलाइट

कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार प्राप्त किए गए कितने वीरता पुरस्कार प्राप्त किए गए तो हमने उस दिन छह जो है ना मेन आपके चक्र देखे थे परमवीर चक्र अशोक चक्र महावीर चक्र कीर्ति चक्र वीर चक्र और शौर्य चक्र है ना तो यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो आपके <coughs> कीर्ति चक्र वीर चक्र और शौर्य चक्र है पहले इन तीनों को शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता था शौर्य वर्ग एक वर्ग दो ऐसे करके जो है क्या है इनको बांटा हुआ था राइट लेकिन अगर हम लोग केवीएस नहीं सॉरी लेकिन अगर हम ना यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख देती हूँ एक बार परमवीर चक्र था हमारा है ना परमवीर चक्र है हमारा यहाँ पर महावीर चक्र है हमारा है ना महावीर चक्र है हमारा ये वॉर टाइम अवॉर्ड है और हो जाता है हमारा वीर चक्र राइट यहां पर हमने एक फैक्ट पढ़ा था इसके साथ साथ बाकी तीन आ जाते हैं हमारे कौन से कीर्ति चक्र कीर्ति चक्र शौर्य चक्र अशोक चक्र है ना तो हमने ये पढ़ा था कि इनका नाम जो है कौन से वर्ष में बदला गया था कौन से वर्ष में बदला गया था तो ध्यान रखेंगे कि इनका जो नाम बदला गया था वो बदला गया था 1967 में बदला गया था ये जो पुरस्कार है ये 1952 में आपके स्थापित हुए थे शौर्य चक्र कीर्ति चक्र और अशोक चक्र है ना और जो हमारे परमवीर महावीर और वीर चक्र है ये उन्नीस पचास वर्ष में जो है क्या है स्थापित आपके हुए थे राइट तो ये जो नाम बदला गया था ये सवाल आपका पूछा जा चुका है तो ये नाम जो बदला गया था इनका है ना वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन से जो नाम बदला गया था शौर्य कीर्ति और अशोक चक्र जो नाम रखे गए थे वो कब बदले गए थे वो 1967 में बदले गए थे ये जो पुरस्कार है 1952 में और जो हमारे वॉर टाइम है वो 1950 में जो है स्थापित किए गए थे राइट इस साल की अगर हम बात करते हैं तो इस साल कुल कितने लोगों को कुल अस्सी लोगों को क्या है आपके ये पुरस्कार जो है अप्रूव किए गए हैं ये साक्षी ट्वाइस इन अयर है ना Uh, बच्चे थोड़ी देर क्लास और चलेगी थोड़े से क्वेश्चन और हैं आप लोगों के फिर हमारा मंथली कंप्लीट हो जाएगा अब मंथली कर रहे हैं तो थोड़ी सी देर लगेगी चलिए सो so, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एट्टी एथ अस्सी जो है ना क्या है अस्सी कर्वियों को ये पुरस्कार जो है आपका दिया गया है ठीक है नाइनटीन करेक्ट डेट होगी ध्यान रखना है सो so, एट्टी आपका यहाँ पर टोटल पुरस्कार जो है अप्रूव किए गए हैं आगे आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है 125 130 फिर एक सौ जाएगा अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं पीडीएफ भी मिलेगी बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी बिल्कुल मिलेगी सही आंसर क्या हो जाएगा एक वेरी गुड वन थर्टी टू वन थर्टी टू अवार्ड जो है पद्म पुरस्कार आपके जो है अप्रूव किए गए हैं इस साल राइट right? यहाँ पर अगर बात करें तो पद्म पुरस्कार हमारे कौन से कौन से हो जाते हैं हमारे पांच जो है यहाँ पर पद्म विभूषण हो जाते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो सत्रह हमारे जो है पद्म भूषण हो जाते हैं इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक सौ दस हमारे पद्मश्री पुरस्कार हो जाते हैं कुल हमारे एक सौ बत्तीस पद्म पुरस्कार हैं जो इस साल अप्रूव किए गए हैं और साथ साथ में एक हमारा भारत रत्न है तो चार हमारे पास नागरिक पुरस्कार हो जाते हैं

लोकतंत्र की मातृता के उस पर जो है आधारित था इसको क्या है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है मंत्रालय की श्रेणी में मिला है इसके अलावा ओडिशा को मिला है बेस्ट स्टेट का है ना लेकिन वो मिला है जजेस की चॉइस में मिला है इसके अलावा गुजरात को मिला है पीपल्स चॉइस में बेस्ट स्टेट का की झांकी का पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ महिला दल की बात करें तो दिल्ली पुलिस आ जाता है है ना यहाँ पर अगर बात करें तो प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर राइट रिपब्लिक डे की बात करें तो आप सबको पता है कि इस साल हमने सेवेंटी फिफ्थ रिपब्लिक डे मनाया है फ्रांस के जो है ना हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर रहे थे इमैनुएल मैक्रोन थीम आपको पता है भारत लोकतंत्र की मातृका और विकसित भारत ये क्या है, पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं बताने की जरूरत आई डोंट थिंक की है ठीक है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सदा तंसिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है सदातांसिक पड़ा है अभी हाल ही में सदातांसिक की अगर बात की जाए तो ये भी पहली बार जनवरी में करवाया गया है कई सारे आपके एक्सरसाइजेस हैं जो पहली बार करवाए गए हैं तो ये कौन से देश के साथ हो जाएगा ये हो जाएगा हो जाएगा सऊदी अरब के साथ सऊदी तो अरेबिया के साथ क्या है आपका ये अभ्यास करवाया जाता है पहली बार सॉरी करवाया गया है कहां पर करवाया जा रहा है ये अभ्यास तो आप बोलेंगे कि ये महाजन में महाजन राजस्थान में क्या है आपका ये अभ्यास सदा तानसिक अभ्यास पहली बार जो है दोनों देशों के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो है वो करवाया जा रहा है आगे आते हैं हु बिकेम द द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी भारतीय सेना के सूबेदार का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है तो पर सही आंसर क्या हो जाएगा सूबेदार की रैंक हासिल किसने की है अभी हाल ही में तो सूबेदार की रैंक हासिल की है ऑप्शन डी प्रीति राजक सही आंसर होगा ध्यान रखेंगे ठीक है प्रीति राजक जो है वो पहली महिला बनी है जिन्होंने क्या है सूबेदार की रैंक जो है संभाली है इंडियन आर्मी में भारतीय सेना में प्रीति राजा का नाम आप ध्यान रखेंगे है ना ट्रैप शूटिंग से जुड़ी हुई है ट्रैप शूटर बोलेंगे आप ट्रैप शूटिंग खेल से जुड़ी हुई है इसके अलावा बात करें तो ये अभी-अभी हमने देख लिया था कुछ देर पहले कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को विश्व विरासत सूची के लिए भारत ने 2024 से 25 के लिए क्या है नामांकित जो है बच्चे अभी हाल ही में किया है ठीक है चलिए

यहां पर आ जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है यहां पर आ जाता है जो कि इसकी देखरेख करता है राइट सो यहां पर उन्नीस बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आपका दिया गया है चलिए और आपका साथ साथ में आज का जो होमवर्क हो जाता है वो हो जाता है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का मेजबान है लद्दाख जम्मू कश्मीर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश ठीक है तो चलिए आपके आज के सेशन में इतना ही था आई होप आपको मंथली का रिविजन आपका हुआ होगा जिन्होंने स्किप भी कर दिया था उसका भी रिविजन हुआ होगा होमवर्क आप सभी जरूर करेंगे कॉमेंट सेक्शन में कल भी हम लोग जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पढ़ेंगे और हॉकी वर्ल्ड कप जो मेन्स का भी समाप्त हुआ है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो है कल के सेशन में कवर करेंगे तो कल से हम लोग फेब्रुवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है रेगुलर करंट वो शुरू करेंगे चलिए तो आज के सेशन में इतना ही था चलिए होमवर्क सभी बच्चे जरूर करेंगे टेक केयर बाय